माता शूलिनी व माँ काली की अपार कृपा क्षेत्रवासियों पर सदैव बनी रहे, इसी उद्देश्य को लेकर सोलन के कंडा घाट के कोट कदर गांव में माता शूलिनी व माँ काली की मूर्तियां विधिवत रूप से मंदिर में स्थापित की गईं। इस मौके पर ग्रामीणों ने माँ के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। कंडा घाट की ग्राम पंचायत कोट कदौर के कोट गांव में वीरवार प्रातः माता शूलिनी और मां काली की मूर्तियां विधिवत रूप से स्थापित की गई और पूर्णाहुति दी गई। इस पावन मौके पर सनशाइन कोर्टयार्ड रिजॉर्ट द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें माता के सैकड़ों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। सनशाइन कोर्टयार्ड रिजॉर्ट कोट कदौर की निदेशक भाग्य डोगरा ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि रिजॉर्ट और क्षेत्रवासियों में आपसी भाईचारे बना रहे, इसके लिए धर्मार्थ के कार्य हमेशा करवाए जाते हैं। इस रिजॉर्ट शोकी के पास कोट गांव में है। बेसिकली इस रिजॉर्ट को बनाने का जो है मेन हमारा आइडिया ये है कि लोगों को एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले और गांव का किस तरह का माहौल है वो सब देखने के लिए एक मौका मिले। तो आज जो है हम शूलिनी माता टेम्पल कोट में एक भंडारा दे रहे हैं और जिसमें कि मूर्ति आज बहुत बड़ा अवसर है माता देवशूलिनी की जो है मंदिर में नए मंदिर में आज स्थापना की गई है और देवीशूलिनी माता से हमारी प्रार्थना है कि पूरे इलाके का रिजॉर्ट का जो है वो अपनी जो कृपा दृष्टि है बनाए रखें। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।